हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्नोहिम। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वीडियो एडिटिंग करेंगे। ट्यूटोरियल वन है ये, तो आप वीडियो एडिटिंग कैसे करना है आपको, चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने वीडियो एडिटर की तरफ। तो वीडियो एडिटर जैसे हम अपने ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आप कोई भी वीडियो एडिटर ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये VSTV लिया है। तो आप चाहें तो यही ले सकते हैं या कोई भी, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आज जो ट्यूटोरियल वन है, इसमें हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, बस आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर ट्यूटोरियल टू में आपको इसके आगे का समझाते हैं। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल वन में हम एक कोई वीडियो को ऐड करके आपको समझाते हैं। तो लेयरिंग का भी ऑप्शन इसमें आता है कि कई सारे आप लेयर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है और ये वाला सॉन्ग हम इसको हल्का सा प्ले करते हैं। हमेशा ये होगा जब ये प्ले करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको सेटअप करना पड़ता है, बाकी आप नॉर्मली इसको यूज़ कर पाएंगे। हल्का टाइम लगेगा, वो आपके PC के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है, मिडिल क्लास का गेम मान लीजिए। ये नॉर्मल ट्यूटोरियल, तो इसमें आपको लेयरिंग का ही ऑप्शन सिखाएंगे, छोटा सा लेयरिंग का। मान लीजिए हमें कुछ टाइप करना है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक टाइप करना है वो आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइप करना है, और हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, मान लीजिए मैं अपना नाम टाइप करता हूँ। यहाँ पे हमने अपना नाम टाइप कर लिया, और इसको हम कलर जो हमें सेलेक्ट करना है, हम कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितना इसको रिसाइज करना है वो रिसाइज कर सकते हैं। इसको हम 26 ज़्यादा करते हैं, 72 पे ये। और जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे आपको वैसे ये। जैसे मान लीजिए हम ये लगाते हैं तो ऐसा लिख के आएगा, और ये लेयरिंग यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है, तो आप इसको जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जब यहाँ से प्ले होगा तो उतनी दूर में आपको शो करेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा जितनी दूर तक, उसके बाद ये हट जाएगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें जैसे आपको कलरिंग चेंज करनी है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको शो किए और कलर ज़्यादा जितना कम ज़्यादा करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी कलरिंग कम ज़्यादा करना है, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम हल्की वीडियो चलाएंगे, अभी आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं बढ़ रहा है जब हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इस समय जो सेलेक्ट है वो ये था, इसीलिए इसका कलर वाइट हो गया है। अगर हम इसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे तो इसका नॉर्मल कलर आ जाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, तब आपका ये ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए ब्राइटनेस और जो भी आपको इसमें चेंज करना है वो सब हो जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल वन था, तो इसमें हम आपको केवल सिंपल चीज़ बता रहे हैं कि आप कलरिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं वीडियो में, और आप लेयरिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक कोई सॉन्ग लगाना है, अपनी फ़ोटो या कुछ भी लगाना है, तो यहाँ से आप इसको लेयरिंग को बढ़ा सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी यहाँ से लेयर्स लगा सकते हैं, लेयर वन लेयर टू, तो आप जितनी चाहें उतनी लेयर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगली आने वाली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्यूटोरियल टू में। तब तक के लिए बाय बाय।